तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फसलों के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में। तो पहले हम जानते हैं रस्ट ऑफ वीट, किसके बारे में जानते हैं रस्ट ऑफ वीट के बारे में। तो ये कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? ब्लैक और स्टेम रस्ट, ठीक है। फिर उसका आता है लीफ और ब्राउन रस्ट, फिर आता है येल्लो रस्ट, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आता है ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट क्या होता है? ब्लैक रस्ट का स्टाइल ऑफ ब्लैक रस्ट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ ब्लैक रस्ट, ठीक है। तीन प्रकार की इसमें स्टेजेस होती हैं, फाइव टाइप की होती हैं। सबसे पहले क्या आती है? जीरो स्टेज। जीरो स्टेज को क्या कहते हैं? पिक्नोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्नोस्पोर बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं एसीओस्पोर बोलते हैं। फिर सेकेंड स्टेज को पहले होते हैं ओरिडोस्पोर बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? टेलरस्पोर बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ स्पोर को क्या बोलते हैं? बेसिडोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है इसका, कुछ देखते हैं। तो देखते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इसका क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में क्या था? क्रॉप रस्ट एटले में के लिए कैसे भारी क्षति पहुंचती है। यद्यपि तीन तरह से के रस्ट को अटैक क्रॉप पर होता है, परंतु सबसे अधिक नुकसान ब्लैक रस्ट से होता है। तो ये आपको याद रखना कि सबसे अधिक नुकसान कौन पहुँचाता है? ब्लैक रस्ट। कौन पहुँचाता है? ब्लैक रस्ट पहुँचाता है। फिर आता है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स सबसे पहले क्या होता है? रीफ स्टेम तथा लालियों पर एक तरह का उभार बनता है, जिसे वैज्ञानिक स्पॉट पॉस्ट्यूल्स कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? स्पॉट्स या पॉस्ट्यूल कहते हैं, ठीक है। फिर पांच प्रपंच में यह पॉस्ट्यूल्स ब्राउन लंबे व लीफ के झिल्ली अंदर बहुत छोटे होते हैं, परंतु बाद में गहरे ब्राउन कलर के तथा आपस में मिल जाते हैं। इस तरह ब्लैक रस्ट डिजीज से प्रभावित प्लांट बिल्कुल जंग लगा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? जंग लगा दिखाई देता है। अब जंग लगा प्लांट में किस रस्ट का प्रभाव है? तो किसका है? ब्लैक रस्ट का। फिर आता है काउज। किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनी टिटिसी के कारण, ठीक है। तो ये क्या होता है? आगे चलते हैं। फंजाई से उत्पन्न होता है डिजीज की बीजाणु की तो क्या होता है फंजाई से उत्पन्न होता है डिजीज की बीजाणु की प्रथम दो अवस्थाएं बारबेरी साड़ी झाड़ी पर बनती है। बारबेरी झाड़ी आपको अंदर प्रथम दो अवस्था कहाँ बनती है? बारबेरी झाड़ी पर। फिर बीजाणु पुंज आधार पर स्थित वृंद से अंडर एंड एरिडोपोर बनता है। इन बीजाणुओं की ग्रोथ के कारण लीफ या तने की बाह्य त्वचा कट जाती है, ठीक है। बाह्य त्वचा क्या होती है? कट जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आता है एपिडेमोलॉजी, ठीक है। ब्लैक स्टेम रस्ट वीट या अन्य पैथोजन वीट और डेवलप अंतर पैथोजन की लिटिल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं पर, विशेषकर टेम्परेचर व ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। यह इस मौसम में उगता से उत्पन्न होता है, जब नमी प्रचुरता में तथा तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इंडिया में मैदानों में शीतकालीन वर्षा के बाद नरम धूप हंसी, ठीक है, धूप रस्ट के जस्ट के बढ़ने में सहायक है, ठीक है। रस्ट के बढ़ने में क्या है? सहायक है, ठीक है। तो क्या क्या सहायक आप बता लग गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिजीज साइकिल क्या है इसकी, चलते देखते हैं डिजीज साइकिल क्या है। डिजीज साइकिल इसका लाइफ साइकिल दो विभिन्न परपोषियों पर पूरे होते हैं, या फंजाई यूरिडिनो तथा टेलियोस्पोर उत्पन्न लाता है। टेलीलोटास्पोर से बेसेंडियम बीजाणु उत्पन्न होता है। बेसेंडियम बीजाणु से यह डिफेंड्री भवन, ठीक है, चालू हो जाता है। उत्तरी पहाड़ी से यह डिजीज नीचे तराई की ओर से होता हुआ छुआ मैदानों में फैलता है। कहाँ से फैलता है? पहले कहाँ फैलता है? उत्तरी पहाड़ी। उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद क्या होता है, ये सीधे या डिजी नीचे उतर तराई के क्षेत्रों में और वहाँ से क्या मैदानों में ही आता है। फिर आता है ब्लैक स्टेज के, ब्लैक रस्ट के स्टेजेस। तो कौन से स्टेज देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पिकनो स्पोर। तो पिकनो स्पोर क्या होता है, फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बीट के अपर सरफेस पे होता है या थिन वॉल्ड हाइट होती है। ठीक है, थिन वॉल्ड हाइट होती है। फिर आता है एसियोस्पोर। एसियोस्पोर क्या होता है, पक्सीनिया के माइसीलियम से, ठीक है, माइसीलियम से लीफ के लोअर सरफेस पे, ठीक है, पर कॉप कैप शेप्ड, कैसे शेप्ड, कैप शेप्ड, ठीक है, बनती है। इसके अंदर क्यू कोसिडोस्पोर बनाते हैं। इसका जर्मिनेशन वीट की लीव्स पर होता है। कहाँ होता है इसका जर्मिनेशन, एसियोस्पोर का लीफ पर, ठीक है, वीट की लीफ पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अरिडोस्पोर। यह वीट प्लांट पर यूरिडोसेरी में, ठीक है, रहती है। उसके बाद क्या है, ये बाद में टेलियोस्पोर की बनती है। ठीक है, टेलियोस्पोर की बनती है। आगे चलते हैं, ठीक आता है टेलोस्पोर। ठीक है, टेलोस्पोर ये गर्म वातावरण में उत्पन्न होते हैं बाई बाइसल डाइकेरियन होते हैं। ये जर्मिनेशन से बैसिडियोस्मोर बैसिडियम का निर्माण होता है। ठीक है, इनके जर्मिनेशन क्या होता है, बैसिडियम का निर्माण। फिर आता है हमारा डेसिडोस्पोर। ये बैसिडिया के ऊपर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ये बैसिडिया के ऊपर बनते हैं, जिससे, ठीक है, बैसिडियोस्पोर कहते हैं। इनका जर्मिनेशन बार्ले के प्लांट पर होता है। फिर आता है येल्लो और स्ट्रिप रस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का है, येल्लो रस्ट ऑफ वीट अन्य रस्ट से अधिक भयानक है। डिजीज उग्र अवस्था में प्लांट की सच्ची पत्तियों का विनाश कर बालियों में दाने की बुरी तरह से प्रभावित करता है। येल्लो रस्ट को प्रकोप हिमालय के नीचे की पहाड़ियों और तराई एरिया में अधिक होती है। ठीक है, तराई एरिया में अधिक होती है। फिर आता है सिम्टम। यह अवस्था में डिजीज के कार लक्षण पहले स्टेम के व कणों पर दिखाई देते हैं। इससे डिजीज में लीफ पर छोटे छोटे पॉस्चर बनते हैं। क्या बनते हैं, पॉस्चर बनते हैं। ठीक है, पॉस्चर बनते हैं। ये पॉस्चर लीफ की नाड़ियों पर इस तरह से बनते हैं कि लीफ रस्ट का, लीफ का गार्डन ग्रीन कलर लगभग गायब हो जाता है। कैसा कलर गायब हो जाता है, ग्रीन कलर बिल्कुल गायब हो जाता है, ग्रीन कलर गायब हो जाता है। प्रतीत होता है कि वीट के पकने के टाइम करीब दाने के सारे पैथोजन लीफ की निचली सतह पर हल्के ब्लैक कलर या पॉस्चूल बनाते हैं। कॉजेस पक्सीनिया सिट्रीफॉर्म्स है, तो उसका क्या था, पक्सीनिया टिसिसी। इसका क्या है, पक्सीनिया सिट्रीफेरिस। ठीक है, पगच फंजाई से उत्पन्न होता है। पैथोजन के माइसीलियम चूसकांगों के माध्यम से पोषक द्वारा भोजन प्राप्त करता है। ब्लैक रस्ट स्टम रस्ट को पैथोजन के अनुरूप ही संक्रमण मैथड अपनाते हैं। टेल्यूटा स्पोर की उत्पत्ति क्रॉप के पकने के टाइम होती है और परिपक्व हो जाने पर तुरंत ही अंकुरित हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आता है हम डिजीज को वार्षिक आवर्तन यूरिडो स्पोर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यूरिडो स्पोर द्वारा, जो पहाड़ी एरिया से वाइंड के द्वारा उड़कर मैदानी क्षेत्रों में आता है। पर वो क्या था, वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता था, फिर तराई क्षेत्रों में होता था, फिर कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में आ जाता था। ठीक है, फिर आता है एपिडेमोलॉजी। ठीक है, येलो रस्ट और वीट उन एरिया में कम उत्पन्न होता है जहाँ वर्षा निम्नतर, गर्मी के दिनों में तापमान अधिक रहता है। ठीक है, असामान्य से इस रस्ट को फैलने के लिए भारी वर्षा और निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। इसके स्पोर व माइसीलियम दोनों को ही ग्रोथ के लिए लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर, कितना चाहिए होता है, 10 डिग्री, और उसको कितना चाहिए, 18 डिग्री के आसपास तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं डिजीज साइकिल। इसके यूरिडिनो स्पोर पहाड़ों पर 1,000 से 1,800 मीटर ऊंचाई पर स्वयं उगे गेहूं के प्लांट में जीवित रखते हैं। पहाड़ों पर यूरिडिनोस्पोर एयर द्वारा उड़कर मैदानों में जाते हैं और वीट की, ठीक है, क्रॉप पर क्या करते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन करने के बाद डिजीज को फैला देते हैं। कुछ वीट्स लाइक ब्रोमोज
ये याद रखने वाली चीज़ है कि कौन कौन से प्लांटों में होता है, जैसे जेनेथिक, जेथेनिक, हाइड्रियम, ठीक है, म्यूसिस, म्यूसियम इत्यादि, ठीक है, तथा अधिक घास हो इसके लिए परपोषी के रूप में कार्य करती है। घास वाले पौधे क्या करते हैं, इसके लिए परपोषी का कार्य करते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट है याद रखें। फिर आता है ब्राउन और लीफ रस्ट ऑफ वी, ठीक है, तो ब्राउन कलर के आप जानते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्ट है, अन्य दोनों रस्टों के डिजीज के अनुरूप ब्राउन रस्ट भी, ब्राउन रस्ट के प्रकोप से क्रॉप को भारी क्षति होती है, ठीक है। सबसे अधिक किस्म होती है ब्लैक रस्ट में, याद रखना है आपको, क्योंकि इनका प्रकोप क्रॉप पर सबसे पहले होता है, इसलिए डिजीज़ को उग्र रूप इन्फेक्शन का इन्फेक्शन से आर्थिक अधिक टाइम लगता है। डिजीज़ भी उग्र अवस्था में, डिजीज़ क्या होता है, उग्र अवस्था में प्लांट को स्टेज पर दाने सिकुड़े, ठीक है, तथा हल्के वजन के उत्पन्न होते हैं, 10-40% तक यील्ड में कमी होती है, ठीक है, यील्ड में कमी 10-40% तक होती है, आपको रहता है। अब चलते हैं डिजीज साइकिल पे। डिजीज साइकिल या रस्ट अपनी जो यूरिडिनिशियम स्टेज में पहाड़ों पर स्वयं उगे वीट के प्लांट में कुछ साम्यास्वर होस्ट पर जीवित रहता है। पहाड़ों में यूरिडोस्पोर्स एयर में उड़कर मैदानों में जाते हैं और वीट की क्रॉप पर संक्रमण करते हैं। डिजीज़ का प्रसार यूरिडोस्पोर द्वारा होता है, ठीक है, प्रसार किसके द्वारा, यूरिडो। डिजीज में बुआई के पूर्व नियंत्रण के उपाय, कि बुआई के पूर्व क्या है, प्रतिरोधक जातियों का चुनाव, 3 रस्ट के लिए प्रतिरोधक जातियाँ जैसे सुजाता, मालविका, ये आपको जाति याद रखें, यूपी शक, यूपी 215, यूपी 319, रतन, अर्पा और बिलासा, ये इंपॉर्टेंट जातियाँ हैं जो कि क्या है, तीनों रस्टों को प्रतिरोधी हैं। फिर आता है मिक्स्ड क्रॉप में, आता है मिक्स्ड क्रॉप वीट के अन्य क्रॉप्स के मिक्स्ड करके अन्य क्रॉप के साथ मिक्स्ड करके बोने से पैथोजन के प्रसार में अवरोध होता है। वीट को सरसों या तुरई के साथ, किसके साथ, सरसों या तुरई के साथ मिक्स करके बोया जाता है, ठीक है, अगर आपको प्रकोप से बचना है तो। यूज ऑफ फंजीसाइड, खड़ी क्रॉप में वीट को रस्ट डिजीज के प्रकोप या इन्फेक्शन को कम करने के लिए फंजीसाइड का उपयोग करते हैं। कौन कौन से फंजीसाइड हैं जरा देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा है कि कुछ फंजीसाइड के नाम, जैसे क्या हुआ, जिनेब, डाइथेन, Z78, क्रॉप शुड बी सोन टिल, डाइथेन हम 45 का 0.2% का प्रयोग कर सकते हैं, या सल्फर पर पाउडर का 0.2% का घोल बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, या हो गया अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, लास्ट मंथ में अक्टूबर में ये प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है मैक्रोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, क्या रेडमिल का प्रयोग कर सकते हैं 0.3%, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, लूज स्मट ऑफ वीट, किसकी, लूज स्मट ऑफ वीट। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रस्ट पढ़ रहे थे, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्मट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला स्मट, लूज स्मट ऑफ वीट। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, लूज स्मट डिजीज से मुस्कम ये भाग संक्रमित होते हैं, जिससे दोनों के ब्लैक पाउडर एवं दोनों पर ब्लैक पाउडर बन जाता है, इसीलिए प्रभावित प्लांट के 100% हानि होती है। इस कारण फील्ड में 5% संक्रमण दिखाई देते हैं पर 3% यील्ड में कमी आती है, ठीक है, 5% अगर संक्रमण दिखाई दिया तो कमी कितनी आती है, 3%, ठीक है, फिर यील्ड में कमी हो पाएगी। इस डिजीज का प्रकोप कई स्थानों पर 20-30% तक देखा गया, कितना देखा गया, 20-30% तक। फिर आता है सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, लूज स्मट केवल दानों को प्रभावित करता है, बालियां निकलने पर संक्रमित प्लांट में दानों के जमीन के स्थान पर काला चूर्ण सा युक्त बालियां बनती हैं, आरंभ में इन काले चूर्ण युक्त बालियों को सफ़ेद पतली झिल्ली में ढका होता है जो एयर के सोफे से फट जाती हैं और काला चूर्ण पूरे खेत में बिखर जाता है, उससे क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। काउजेस क्या होता है, एस्टेलोगोन्यूटाटेटिस, ये आपको जरूर याद रखना है कि कौन सा क्रस्ट क्या, कौन सा एस्मट किससे फैलता है, तो ये नाम आप नोट कर लें, ठीक है, एस्टेलोगोन्यूटाटेटिस फंजाई द्वारा उत्पन्न होता है, आर्द्रता मिलने पर स्पोर या जर्मिनेशन जनन निकलिका द्वारा होता है, जनन बालिका से गेहूँ पुष्प पर पैलिमिनेशन के
टाइम पहुँचते हैं और सीड बनने के साथ माइसीलियम का कुछ भाग उसमें अपनी जगह बना लेता है। फिर आगे चलते हैं। इसके लिए बाद में माइसीलियम सुषुप्ता अवस्था में सीड में ही रहता है। सीड अंकुरण के लिए पैथोजन का माइसीलियम भी अंकुरित होता है। फिर एपिडेमोलॉजी लॉस स्मर्ट को सबसे अधिक विकास 23 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। वातावरण की निम्न आर्द्रता की अवधि के टाइम संक्रमण पर्याप्त मात्रा में कम हो जाता है तथा लो सोल आर्द्रता भी प्लांट में डिजीज के डेवलपमेंट को बढ़ा देती है। ठीक है, डिजीज साइकिल या एक इंटरमेली सीड है। ठीक है, कैसा चीज़ है? इंटरमेली सीड है। तो सीड बॉर्न डिजीज है। जब संक्रमित सीड को बोया जाता है तब सीड में जर्मिनेशन के साथ साथ ही डोमिनेंट माइसीलियम एक्टिव हो जाता है। इसके बाद माइसीलियम सभी स्पाइक्स को अटैक करता है तथा संक्रमित स्पाइकियों में उपस्थित माइसीलियम स्मट स्पोर में परिवर्तित हो जाता है। इस स्मट स्पोर का चूर्णी समूह होस्ट टिश्यू से निर्मित एक पतली झिल्ली से ढका रहता है। स्मट स्पोर के परिपक्व होने पर यह झिल्ली फट जाती है और स्मट स्पोर बाहर निकलकर समीप के स्वस्थ प्लांट पर पहुंच जाता है। डिजीज का माइसीलियम संग्रह करके सीड में लंबे टाइम तक उत्तरजीवी बना रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर आता है डिजीज मैनेजमेंट, कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। क्या था? सदैव डिजीज मुक्त प्रमाणित सीड का ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फिर सीड को किसी स्पंजीसाइड जैसे बेटावेबस्टीन बैनलेट से, ठीक है, 3-3 ग्राम kg सीड 2.5 प्रति kg की उपचारित करके सोइंग करना चाहिए। ठीक है, बोना चाहिए। फिर सीड के हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके भी बोना चाहिए, इससे डिजीज़ की रोकथाम की जा सकती है। इसके मेथड के सबसे पहले सीड को 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोया जाता है। इस ऐसा करने से सीड के अंदर माइसीलियम एक्टिव हो जाता है। इसके बाद सीड को 10 मिनट तक 32 डिग्री फारेनहाइट या, ठीक है, ताप वाले हॉट वाटर में रखा जाता है। अतः अंत में सीड को सुखाकर बो देते हैं। 132 डिग्री फारेनहाइट या 52 डिग्री सेल्सियस को रखा जाता है। फिर आता है यह अवधि, यह दाइम में डिजीज बालियाँ दिखाई दें तो उन्हें पॉलीथीन या कागज़ में थैली में ढककर असावधानी से तोड़ना चाहिए। उन्हें मिट्टी से दबा देना चाहिए। डिजीज रोधी किस्में अपनाना चाहिए, जैसे कल्याण 227, कल्याण सोना, मालवीय 206, रतन, अर्पा और बिलासा, ये भी क्या है, इसके प्रतिरोधी हैं। फिर आता है सोलनाइजेशन इन द नॉर्म ऑफ मई जून करना चाहिए। ठीक है, फिर डीप समर प्लॉगिंग, ठीक है, डीप समर यानी गर्मियों में क्या गहरी जुताई करनी चाहिए। फिर आप यूज ऑफ बायो कंट्रोल ट्राइकोडर्मा चिलेनिस, जो परजीवी होता है उसे छोड़ सकते हैं। ये या ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, आगे नहीं, यहीं पे है। ठीक है, डीजी तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं तो आता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट किसकी, रेड रोट ऑफ शुगर कैन। तो अब हम लोग शुगर कैन पे आ सकते हैं, किस पे, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन के, जिसके द्वारा होता है कोलेलोट्रोप कम फॉलिक्टोम। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। या आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो चेक कर लीजिए गूगल पे, ठीक है, और इनके नाम जरूर लिख लीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, विश्व के सभी देश भर के शुगर कैन उत्पादन लाल शरण डिजीज के आतंक से परिचित है। यह डिजीज उत्तरी भारत में विशेषकर यूपी और बिहार में सन 1940 से 1946 तक महामारी के रूप में कई बार अटैक कर चुका है। इसके जिसके कारण शुगर मिलें बंद हो जाती चुका है। डिजीज से अंकुरण में भिन्न कमी या नुकसान होता है। फिर आता है सिम्टम, इस डिजीज में शीर्ष से तीसरी या चौथी टीट मुरझाने लगती है। टीट क्या होती है? मुरझाने लगती है। इसे प्रभावित गन्ने को अगर
बीज से काट कर देखा जाए तो उनके भीतर क्या भाग लाल दिखाई देता है, जिसके बीज का भाग सूखकर सफ़ेद सा हो जाता है। उग्रवा से प्रकोप होने पर गन्ने में लाल कलर जैसे के स्थान पर गुर्ज रेड ब्राउन कलर का बनता है। प्रातः कला उसका आवेश किसके द्वारा होता है, ये तो लिखा है कैलियोट्रोटिकम फैट पर फैट कैटम। फिर फंगस से उत्पन्न होता है पैथोजन। फंगस अलैंगिक विशेष मोटी दीवार वाले स्पोर भी बनाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित हो सकते हैं। इन स्पोर को क्लैमिडोस्पोर कहते हैं। इनका निर्माण गन्ने के गूदे के स्थान पर होता है, गन्ने के गूदे के स्थान पर इनका निर्माण होता है। फिर आगे चलते हैं डिजीज साइकिल पर चलते हैं। इस डिजीज़ का वातनी आवर्तन डिजीज गन्ने से प्राप्त चीट के लिए उपयोग की जाने वाली बोटियों से होता है। बोरियों की आग के आसपास पैथोजन फंगस के स्पोर द्वारा इन्फेक्शन होता है। दूसरे वर्ष अथवा डिजीज का वातनीय आवर्तन डिजीज ग्रस्त फील्ड की साफ्ट द्वारा भी होता है। एपिडेमोलॉजी इस डिजीज का प्रकोप उन फील्ड में अधिक होता है जिसमें जल निकास का उचित प्रबंधन न होने से उच्च आर्द्रता बनी रहती है। ऐसी फील्ड में भी प्लांट कमजोर रहते हैं। साथ ही पड़ोसी फील्ड से वाटर के साथ स्पोर साइज एकत्र हो जाता है। फिर आता है डिजीज मैनेजमेंट। शुगर कैन की क्रॉप के लिए उचित वाटर निकास से हम जो उच्च उर्वरा शक्ति वाले फील्ड की ही चयन करना चाहिए। इरिगेशन का प्रबंध ऐसा होना चाहिए डिजीज प्राप्त सीड का वाटर रोग रहित फील्ड में नहीं जाए। तथा सीड के लिए रोग रहित फील्ड से प्राप्त गन्ने के जोड़ियों को प्रयोग करना चाहिए। शुगर केन के सीड शुगर कैन के सीड की बोटियों के कटे हुए सिरे को बोने से पहले 1% से लार्डो बोर्डो मिश्रण के 0.25 घोल में 5 मिनट डुबाकर रखें। डिजीज रोधी किस्में अपनाना चाहिए 0.057 COCO 802 ये कुछ किस्में हैं। फिर आता है वीप स्मार्ट डिजीज ऑफ शुगर कैन ठीक है। तो चलते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट मुख्यतः डिजीज आदिम जाति के गन्ने पर का है और ना सभी इम्पोर्टेंट वेराइटीज जिनमें आदिम जाति के वंश हैं उन पर डिजीज से प्रभावित होती हैं। पेड़ी के क्रॉप पर प्रकोप विशेष हानि पहुंचाती है। डिजीज से पेड़ी में लगभग 31% तक हानि होती है। कितने प्रतिशत? 31% ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि आपका कितना प्रतिशत 70% ही गन्ना बच रहा है भाई। फिर अगला सिम्टम डिजीज से प्रभावित गन्ना कमजोर व पतले होते हैं। उत्प्रांत उनके शीर्ष से कई फुट लंबे लाइकन फुट लंबे बुंडी सरोखी निकलती है। इंसेक्ट या यांत्रिक क्षति से गन्ने के वर्णन बिंदु नष्ट हो जाते हैं। हो जाने पर भी कई कलिकाएं अंकुरित हो जाती हैं जिससे स्मट चालुक उत्पन्न होते हैं। प्रभावित गन्ने अधिक लंबे हो जाते हैं। काउजेस क्या है? स्टोगलो स्टोमेनिया ठीक है। क्या है काउजेस? स्टोगलो स्टोमेनिया ठीक है। फंगस के उत्पन्न होते ही पैथोजन के स्पोर गोलाकार हल्के चिकने दीवार के होते हैं ठीक है। दीवार के होते हैं जिनका प्रसार एयर द्वारा होता है। प्रत्येक स्पोर आर्द्रता पाकर अंकुरित होता है ठीक है और संक्रमित बढ़ने की क्षमता रखता है ठीक है। एपिडेमोलॉजी डिजीज साइकिल डिजीज का वार्षिक आवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। सीड के लिए उपयोग की जाने वाली बोटियों पर पैथोजन के ऊपर स्पोर द्वारा होता है। पीढ़ी के क्रॉप द्वारा पैथोजन का वर्ष भर जीवित रहना निश्चित हो जाता है। गन्ने की क्रॉप पर लगभग वर्ष भर की होती है और दो क्रॉप के बीच का समय अधिक नहीं होता है। इसलिए पैथोजन को प्रतिकूल वातावरण प्रभावित नहीं कर सकता। डिजीज साइकिल शुगर कैन स्मट डिजीज शुगर कैन में उपस्थित रोगजनक थे ट्रांसमिशन द्वारा होता है। इसके रोगजनक सॉइल में उपस्थित के कारण भी यह डिजीज उत्पन्न होते करते हैं। खुद कंडीशन में फील्ड एक्सपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा निम्न युक्ति पाई जाती है। कौन सी युक्ति पाई जाती है देखते हैं। स्पोर के जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस एकदम तापमान होता है। न्यूनतम तापमान
तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस तथा 6 डिग्री सेल्सियस पर स्पोर डेथ हो जाती है। डिजीज मैनेजमेंट प्रभावित क्रॉप में पीड़ी क्रॉप नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। पीटी पोटियों की पूर्व बोर्ड मिश्रण दवा के घोल से 5 मिनट तक उड़वाने के बाद ही बोना चाहिए। फिर आता स्वस्थ क्रॉप में पोटियाँ खीप के लिए बोनी चाहिए। डिजीज प्रतिरोधी जाति का चयन करना चाहिए, CO449, CO527 और CO111, ठीक है। पीड़ी फसल बुआई पूर्व खेत की सफाई की तथा खेत में पड़े पूर्ववर्ती फसल के अवशेषों को निकाल दें या जला देना चाहिए। सीड सेट्स को स्वस्थ खेत से लेना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, फसल बोने से पूर्व खेत में ग्रीष्म जुताई करनी चाहिए, मिट्टी से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए ट्राइकोडर्मा 8 से 10 किग्रा डालना चाहिए। सीड सेट्स को बोने से पूर्व गर्म पानी से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद उसे स्कॉपर फंजिसाइड या नेम कोजेव या बैनेट 0.3 से या उपचारित करना चाहिए, ठीक है। आता है हेड रॉट ऑफ सनफ्लावर राइजोपस स्पीसीज फंजाई, ठीक है। इंपॉर्टेंस, या रोग फूल निकलते सब वक्त हल्की वर्षा से होता है। सीड से जड़ सड़ जाने के कारण दाने नहीं बनते, ठीक है। सिप्टम, सीड्स की निचली सतह पर सबसे पहले जल रिक्त विकसित के रूप में दिखाई देता है, जैसा कुछ समय के बाद पूरे भूरे रंग में बदल जाता है। पूरापन बुंडक के डंठल पर 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। मुंडक का निचला हिस्सा है भूरी व नरम होकर सड़ने लगती है तथा कीड़े प्रवेश करते हैं। तीव्र अवस्था में बीज के काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। मैनेजमेंट, रोगग्रस्त मुंडकों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक लक्षण दिखते ही कार्बोनेजिम 1 ग्राम प्रति लीटर वाटर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगली वीडियो। कहता है लीफ ब्लाइट ऑफ अल्टरनेडिया ब्लॉन्ट ऑफ सनफ्लावर का ये रोग है। सनफ्लावर सबसे अधिक कहाँ होता है, रूस में होता है, ठीक है। और यूस और यूकेन, ठीक है। अल्टरनेडिया हेलिंथी फंगस, ठीक है। सिम्टम, पत्तियों पर धब्बे गहरे रंग के हो जाते हैं जिसके चारों ओर पीला वलय पाया जाता है, ठीक है। फिर धब्बे छोटे छोटे होते हैं तथा बाद में बड़े होकर वापस 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाते हैं। फिर धब्बे गोलाकार होते हैं, इन धब्बों में संकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं। फिर मैनेजमेंट, रोगग्रस्त पौधे के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। बुआई के 30 से 40 तथा 50 दिन तक डायथेन M45 का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी से छिड़काव करना चाहिए। फिर आता है लीफ स्पॉट ऑफ मस्टर्ड, कहता है लीफ स्पॉट ऑफ मस्टर्ड किस सीजन फिर अल्टरनेलिया ब्रैसिकोलिया फंगस के कारण। इंपॉर्टेंस क्या है, यह रोग सरसों समूह की फसलों पर संक्रमण करने वाले विश्वव्यापी रोग होते हैं जिसके उपज में अत्यधिक हानि होती है, ठीक है। सिम्टम, सर्वप्रथम बीज पत्रों पर छोटे छोटे हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो शीघ्र ही बीजाणुओं के समूह बन जाने के कारण काले रंग के दिख हो जाते हैं। निचली पत्तियों पर गहरे हरे भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं जो ऊपरी पत्तियों पर तने तथा फलियों पर भी फैले हो जाते हैं। फिर धब्बों के आपस में मिल जाने से पत्तियाँ झुलसकर सूख जाती हैं, ठीक है। जो पत्तियाँ झुलसकर क्या होती हैं, सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। कहता है इसके बीच छोटे सिकुड़ हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। कहता है मैनेजमेंट, रोगग्रस्त फसल अवशेषों को जला देना चाहिए, ठीक है। फिर रोग रहित बीजों को बुआई करनी चाहिए। फिर आता है सीड रेट थायरम 3 ग्राम प्रति केजी सीड से तथा कार्बोनेजिम 1 ग्राम प्रति केजी सीड से उपचार देना, या तो इसमें से कर लो। फिर आगे चलते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट, तो क्या होता है 50 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। सभी में फंजीसाइड मैनकॉर्बेज कैजोब 3 ग्राम प्रति लीटर वाटर स्प्रे करते हैं, ठीक है। अगर खड़ी फसल में हो जाता है तो रोगरोधी किस्में जैसे दिव्या हो गया हमारा, CSR हो गई, फड़ हो गई और 142 और CSR 343 हो गई। ये सब क्या हैं, हमारी प्रतिरोधी जातियाँ हैं। फिर आता है फाइटोलॉन 0.3 2 बार लॉन 0 बार 2 खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं डिजीज साइकिल,
पैथोजन के स्पोर एयर द्वारा एक फील्ड में एवं आसपास के कई फील्ड में पहुंच जाते हैं। एक वर्ष में दूसरे वर्ष पैथोजन सीट पर अपने आपको सुरक्षित रखता है। साथ ही प्लांट्स अवशेषों में भी स्पोर एवं स्पोर एवं क्लेमिडोस्पोर द्वारा अगले वर्ष तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या आता है हमारा वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, ये किससे बढ़ता है? एलेगो कमेडा से। किससे होता है? एलेगो कमेडा। इम्पोर्टेंस क्या है? प्रायोजा फेरी कुल की फसलें लगाए जाने पर या क्रूसी फेरी कुल की फसलें लगाए जाने पर पाया जाता है। संक्रमण से पुष्पांग में विरूपित हो जाने के कारण बीज नहीं बन पाते, जिससे उपज में वो 23 से 54% तक कमी आती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कितनी 30 से 54% फसल कमी हो रही है। सिम्टम्स क्या? बुआई में 30 से 40 दिन तक बाद में पत्तियों पर पहले दिखाई देते हैं। स्थानीय संक्रमण में बाज पौधों के जमीन के ऊपरी भाग पर तथा पत्तियों के निचली सतह पर सफ़ेद स्पॉट बनते दिखाई देते हैं। फिर आता है ये आपस में मिलकर बड़े आकार के धब्बे बनते हैं, जो ऊपरी सतह पर हरी मीनता के कारण पीले धब्बे बन जाते हैं। उग्र अवस्था में तनों वाले गुच्छों तथा फलियों तक पहुंच जाता है। स्पॉट्स के परिपक्व होने पर त्वरपोषी की बाह त्वचा पर फट जाता है। बीजाणु पुंजों के समूह सफ़ेद चूर्ण के जमाव के रूप में दिखाई देते हैं। जाता है एपिडेमोलॉजी। यह डिजीज अधिक दिनों से ठंडे मौसम में तेजी से फैलता है। स्पोरोंजियम के अंकुरण का अनुकूलतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। संक्रमण एवं फंजीसाइड के डेवलप के लिए ठंडी और ओस वाली जलवायु, ठीक है, ओस वाली जलवायु चाहिए होती है। फिर फंजीसाइड के डेवलपमेंट के लिए ओस वाली जलवायु चाहिए होती है, अधिक उपयुक्त है। दिन में थोड़ी गर्मी हो तो डिजीज की उग्रता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। फिर आता है मैनेजमेंट कैसे करोगे? मैनेज सरसों की सोइंग यथाशीघ्र करनी चाहिए, क्योंकि पछहती सोइंग करने पर इस डिजीज का अटैक अधिक होता है। सदैव अच्छे स्वस्थ सीड्स का उपयोग करना चाहिए। लगातार सरसों की फसल नहीं बोनी चाहिए, ठीक है। फिर अधिक ज़्यादा रोगग्रस्त भागों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इस फील्ड में रोगग्रस्त अवशेषों को जला देना चाहिए। रेडमील फंजीसाइड इसके लिए उपयोगी है। रेडमोल, ठीक है, जैकोब का फिर रोग इसमें अपनाना चाहिए। क्रांति आर्यन 523 510 TM20 ये इम्पोर्टेंट फसल हैं जो कि क्या करती हैं, इसके प्रतिनिधि हैं। फिर आता है अगला विल्ट ऑफ ग्राम चिकपी की, ठीक है। फिर आता है ये किससे होता है? फ्यूजरेम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है, इसके बारे में सभी ने सुना होगा। उपज क्या होती है? उपज में 10 से 15% तक कमी करता है ये, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या है? पौधा अवस्था ठीक अच्छी नहीं हुई। लक्षण बुआई के 3 सप्ताह के अंदर दिखाई देती हैं, ठीक है। पौधा क्या होता है? पौधा अगर से जमीन पर गिर जाता है, उखाड़ कर देखने पर या ठीक ऊपर के भाग पर सिकुड़न दवाई दिखाई देती है। जड़ के तरफ तने से चीरा लगाने पर काली धारी दिखाई देती है। विकसित अवस्था, ग्रसित पौधे की पत्तियों पर सूख जाती है। ग्रसित पत्तियां पीलापन लिए होती हैं, ठीक है। फिर आता है पत्तियों का रंग हरा हलिया हल्का हरा हो जाता है। पत्तियों आता भूरा पता अथा में अंत में भूरा रंग की हो जाती हैं। डिजीज साइकिल, सभी फंगस सॉइल में मृत परजीवी के रूप में रहते हैं। डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। डिजीज प्लांट के अवशेष, प्लांट एंड अवशेषों की जुताई कर एकत्र करके जला देना चाहिए। सीड किसी पैनिक फंजीसाइड लाइक बेबिस्टीन द्वारा ट्रीट करके सोइंग करें। फील्ड के वाटर के निगास का उचित प्रबंध करें। डिजीज रोधी किस्में जैसे वैभव, विनय, ICCN 10, ठीक है। ट्राइकोडर्मा से सॉइल ट्रीटमेंट 8 से 10 किग्रा प्रति हेक्टेयर करें। फिर फसल चक्र अपनाना चाहिए। धान या अन्य ठीक है, फसल बोने के पूर्व धान के अन्य अवशेषों को खेत में निकाल लेना चाहिए। फिर सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिसे किससे? कार्बोइड से कर लो, थायरम से कर लो, ठीक है, ट्राइकोडर्मा और इन सब से कर लो। फिर आगे चलते हैं।
ये रहता है कॉलर रॉट ऑफ ग्राम, ठीक है। कॉलर रॉट ऑफ ग्राम किससे होता है, तो किससे होता है, स्केलरोसीमिया रोटेप्सी। सिम्टम्स क्या होते हैं, बुआई के 2 सप्ताह बाद लक्षण दिखाई देते हैं। प्रारंभ में 5 हल्के पीले पौधे हल्के पीले रंग के पड़ने लगते हैं और बाद में ये निकल कर नष्ट हो जाते हैं। रोगग्रस्त तने के निचले भाग एवं जड़ों के ऊपरी हिस्से पर कपास के समान सफ़ेद फफूंद के रेशे दिखाई देते हैं। अपवस्क वयस्क पौधे पर भूतल के समीप तना भाग भूरा पड़ जाता है, पड़ने लगता है, जिससे पौधा एक और झुकने लगता है। यह जड़ों पर भी सामने सफ़ेद फफूंद दिखाई पड़ते हैं। मैनेजमेंट, गर्मी के दिनों में खेत खेत की जुताई मिट्टी प्लट हल से करें, ठीक है। फिर आता है फसल चक्र अपनाएं, बिना दलहनी फसलों के, ठीक है। अन्य बार फसल चक्र अपनाएं, अन्य फसलों के सीड ट्रीटमेंट करें थायरम से और कार्बेंडाजिम से, ठीक है। 3 ग्राम प्रति केजी सीड थायरम से और कार्बेंडाजिम से 1 ग्राम प्रति केजी, ठीक है। आ जाते हैं कॉटन फील्ड, ठीक है। वैस्कुलर बिल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। क्या आता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या, देसी कॉटन पर बिल्ट एटन डिजीज का रुकाव अधिक होता है, ठीक है। काली सॉइल वाली फील्ड में डिजीज से क्रॉप को 15 से 30% तक हानि होती है। जब अब डिजीज का प्रकोप अमेरिकन कॉटन पर भी स्पष्ट देखा दे सकता है। नागपुर में 1908 में काली सॉइल पर दिखने वाले कॉटन पर काली पत पाई जाती है, जिसके पीएच वैल्यू कितनी थी, 6.76 से 8 की। सिम्टम्स क्या हैं, डिजीज प्रकोप से प्लांट के नीचे की पत्तियां पहले हल्की हरी से पीली और बाद में ब्राउन होकर गिरने लगती हैं। पूरा प्लांट पीला होकर कुछ दिनों के लिए मुरझा जाता है। प्रभावित पौधे की दुखाड़ कर देखने से प्लॉट में काली पोरियां दिखाई देती हैं, काली धारियां दिखाई देती हैं। ये घाटियां वास्तविक जड़ों के अंदर की कॉलर्स में वास्तविक पैथोजन के बढ़वार के कारण उत्पन्न होती हैं। काउसेस या डिजीज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस से उत्पन्न होता है। पैथोजन के माइसीलियम सफ़ेद धूसर होते हैं, धूसर रंग के होते हैं। या पैथोजन 3 तरह के स्पोर बनाते हैं, माइक्रोकनिडिया और कैलिस्टोस्पोरिया। वास्तव में पैथोजन प्लांट में 1 या 3 सप्ताह का होता है। फिर चलते हैं आगे, फिर यह इसमें पेनिट्रेट करते हैं डिजीज साइकिल। पैथोजन 1 वर्ष में दूसरे तक प्रभावित प्लांट की जड़ों में प्लांट सबसे पर जीवित रहता है। डिजीज का इन्फेक्शन मूल तंत्र द्वारा होता है। वीट पैथोजन द्वारा विषैले उत्सर्जन पदार्थों के संपूर्ण प्लांट्स में फैले होता है। डिजीज मैनेजमेंट सॉयल बोर्न या डिजीज का संक्रमण जड़ों द्वारा होता है, अतः पोटास उर्वरक देने डिजीज के रोकथाम में लाभ मिलता है। क्रॉप कटाई के बाद इरीगेशन की गहरी जुताई कर देनी, यानी समर में गहरी जुताई कर देनी। फिर आता है प्लांटेशन अवशेषों की एकत्र का जला देना चाहिए। डिजीज प्रतिरोधी जातियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे विजय हो गई और हिमालय, ये इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी जाते हैं, फिर जातियाँ हैं। फिर आता है पौधों के गड्ढों को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए, लगातार विचार सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फिर आता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है। ये किससे होता है, तो विल्ट ऑफ कॉटन तो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगर आता है बैक्टीरियल ब्लाइट एंगलोलीफ ब्लाइट ब्लैक ग्राम आर्म ऑफ कॉटन, ठीक है। किसे होता है, एक्सोथर्मस कंपेस्टिस से इम्पॉर्टेंस। इस रोग के सर्वप्रथम 1891 में एटिकेंस नामक वैज्ञानिक ने अमेरिका में देखा था। कहाँ देखा था, एटिकेंस ने देखा था, कहाँ देखा था, अमेरिका में देखा था। भारत में 1918 में यह रोग प्रदास राज्य की कपास फसल पर देखा गया। 16 से 27% तक उपज में हानि होती है। रोगजनक जीवाणु का सर्वप्रथम गोलों पर होता है, तो भीतर कपास के तंतुओं की गुणवत्ता कम हो जाती है। सिम्टम प्रारंभिक लक्षण नवोद्भिद पौधे के बीज पत्रों की निचली सतह पर छोटे गोल भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे बड़े होकर बीज पत्रों को नष्ट कर देते हैं। ये धब्बे रंग में भूरे या काले होते हैं। रोगजनक पौधों के तने संक्रमित करते हुए
करता हुआ वर्धन शिखा तक पहुंच जाता है और जिसके कारण पौधों का मृत्यु हो जाती है। डिजीज साइकिल प्राइमरी इन्फेक्शन सीड बोन बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया बीजावरण के रूप में ऊपर तथा अथवा सीड के भीतर एक सीड बोए जाने के बाद में वह शीघ्रता से मल्टीप्लिकेशन करता है और नए प्लांट को संक्रमित करता है। शेष बैक्टीरिया वायुजीव होते हैं जो अन्य माध्यमों पर पीली गोल चमकीली कॉलोनी बनाते हैं। मैनेजमेंट पोटास उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर बीजों को गर्म पानी में 56°C 10 मिनट तक भुनाना चाहिए। फिर एग्रोमाइसिन 3 ग्राम प्रति केजी बीजोपचार करना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का 550 ppm स्प्रे करना चाहिए। रोगरोधी किस्म जैसे पांडवा 2 और पद्मावत बोलनी चाहिए। पद्मावत है पद्माकत है, देख लीजिएगा। तथा पाउडी मिल्ड्यू ऑफ पी पाउडी मिल्ड्यू इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रकोप उसका शुष्क मौसम में फलियों पर होता है। मटर की जल्दी पकने वाली जातियों में रोग से कम हानि होती है। उग्र अवस्था में 38°C तक उपज में कमी आती है। 38°C, ठीक है। अगर देखते हैं सफ़ेद चूर्ण चमक चकते के रूप में दिखाई देते हैं। ये पत्तियों के निचली सतह तथा सतह पर फैल जाती हैं। सफ़ेद चूड़ी पकने के कारण पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। ये वे पौधे होते जाते हैं। 3 तीव्र प्रकोप से नए फूल नहीं बन पाते तो और छोटे रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो? हमने एग्रीकल्चर की कुछ महत्वपूर्ण फसलों की कुछ डिजीज दिखाई हैं जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। अगर आपको अन्य किसी प्रकार की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस प्रकार की वीडियो बना देंगे। और हमारी वीडियो में कोई कमी लगे तो वो भी बताएँ, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आज की देखने के लिए।